Good morning, students. Let's continue question number 6 of exercise 6.3 of chapter Squares and Square Roots. Question is, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. It means ये perfect square number नहीं है. इसको किससे divide करें कि वो perfect square number बन जाए. और वो छोटे से छोटा, यानी the smallest whole number होना चाहिए जिससे हमने divide करना है. Last question में हमने किया था किससे multiply किया जाए. तो अब हमने करना है किससे divide किया जाए. उसके बाद find the square root of the square number so obtained. जो स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी बताना है आपको. सेम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर्स बताने होंगे. 252, लास्ट डिजिट इज 2, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 6. 63 is not divisible by 2 because last digit is 3. Now it is divisible by 3 because 6 plus 3, 9. 9 is divisible by 3. It is also divisible by 3. Now it is divisible by 7. 252 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7. अब देखिए 7 cannot be paired. 2 के pair है, 3 का pair है, but 7 का pair नहीं है. Multiply करना था तो हमें 1 more 7 is required हो जाता, but हमें यहाँ पर divide करना है. It means हमें 7 को यहाँ से हटा देना चाहिए. अगर 7 नहीं होगा तो ये हमारा perfect square number बन जाएगा. It means 7 should be divided. Seven divide करने के बाद देखते हैं क्या आता है. टू को आपने 7 से डिवाइड करना है. 7 3s आर 21 एंड 7 6s आर 42. 36 इज द आंसर. अब 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. अब आप चाहें तो 36 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहां से हमने 7 को हटा दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो यहां से चला गया. इट मींस ये बन गए हमारे पेयर. ये हो गया 2 इंटू 3 स्केयर. और स्केयर रूट ऑफ 36 इज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. इस तरह से कर सकते हो आप, जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था सेम कर सकते हो. बट इसको आप पूरा दोबारा से भी करके दिखा सकते हो कि स्केयर रूट कैसे करना है. आना यही है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं. 36 में क्या होंगे, 2 से करोगे आप पहले, 18 आया, अगेन 2, 9 आया, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3. प्राइम फैक्टर्स ये हो गए, पेयर्स बना दीजिए. 36 को आप क्या कह सकते हो, 2 into 3 स्क्वायर. आप ये करो या ना करो चलेगा, या यही कर सकते हो आप, 2 into 3 is equal to 6. तो इसमें भी आपको दो आंसर लिखने हैं. 7 should be divided and the square root of 36 is 6. 7 and 6 is the answer. Second part is 2925.
टू सेट विजिबल है नहीं, लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है। अब देखते हैं 3 से है क्या, 2 plus 9 11 11 and 2 13 13 and 5 18 18 is divisible by 3, so 2925 is also divisible by 3. 3 9s are 27, 2 remainder 22 hua, 3 7s are 21, 3 5s are 15, 9 and 7 16 and 5 21, 21 is divisible by 3, so 975 is also divisible by 3. 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 and 2 5 and 5 10, it is not divisible by 3. Last digit is 5, so it is divisible by 5. 5 6s are 30, 5 5s are 35, again it is divisible by 5. 13, it is also divisible by 13 है तो 13 से ही divisible है, तो हो गया हमारा 2 9 2 5 is equal to 2 into 2 into 5 into 5 into 13. Here 13 is not paired, so 13 should be divided. देखते हैं डिवाइड करने पर क्या आता है, थर्टीन टू जर 26, 32 हुआ, 13 2s are 26, 6 remainder 65, 13 5s are 65, डायरेक्ट भी कर सकते हो वरना आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब 225 का आप देखिए यही रहने वाले हैं फैक्टर्स, बस 13 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है, इट मीन्स 3 से करेंगे पहले आ जाएगा आपका 3 7s are 21, 3 5s are 15, अगेन 3 से, 5 से, अगेन 5 से, 225 is equal to 3 into 3 into 5 into 5, पेयर बन जाएंगे, means 225, square root of 225 is 3 into 5, that is 15. चेक भी कर सकते हो, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, 225 आएगा। आंसर इज 13 शुड बी डिवाइडेड एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। नेक्स्ट पार्ट इज 396। Last digit is 6, so it is divisible by 2. 2 1s are, remainder hua 1, 19 ban gaya, 2 9s are 18, 1 remainder 16, 2 8s are 16, again 2 se divisible hai, 2 9s are 18, 2 9s are 18. Now it is not divisible by 2 because last digit is 9, it is divisible by 3. 3 3s are 9, 3 3s are 9. Again it is divisible by 3. Now it is divisible by 11. 396 is 2 into 2 into 3 into 3 into 11. 11 is not paired, so 11 should be multiplied. Sorry, 7 should be divided because हम बता क्या रहे हैं, by which it should be divided. देखिए divided करने पे क्या आता है, divided by 11. 11 3s are 33, 6 remainder 66,
36 हो गया और 36 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 3 × 3। यहां पर देखिए 18 आ जाएगा, 9 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। यहीं से ही आपको पता चल जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 रहने वाला है बिकॉज हमने 11 डिवाइड कर दिया है। 36 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 पेयर्स हो गए। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 2 × 3, दैट इज 6। आंसर इज 11 शुड बी डिवाइडेड and the square root of 36 is 6. Now fourth part is 2645. से डिविजिबल है नहीं, लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है। 3 से चेक करें, 2 + 6 = 8, 8 × 4 = 12, 12 × 5 = 17। इट मींस ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 5 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट इज 5, 5 × 5 = 25, 1 remainder 14, 5 × 2 = 10 and 5 × 9 = 45. 529, it is not divisible by 5. 2 से divisible नहीं है, 3 से divisible नहीं है, 5 से divisible नहीं है, ये पता चल गया है हमें। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो देखिए 9 आ रहा है यहाँ पर, ये 9 कब आता है, मैं आपको पहले भी बताया था, 3 का square करते हैं तो 9 आता है, 7 का square करते हैं तो 9 आता है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा ही आएगा, 3 से जा नहीं रहा, 7 से चेक कर ले, हम 7 से चेक कर लेते हैं, 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 7, 5 = 35, 4 remainder, 7 से भी नहीं जा रहा। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है, 8 वैसे नहीं कर सकते, 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है, 11 से हमें नीड नहीं है करके देखने की, क्योंकि 3 और 7 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका लास्ट डिजिट मींस फर्स्ट डिजिट 9 आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, 13 को 13 से करके देख लेना चाहिए, 17 को 17 से करके देख लेना चाहिए, इसके बाद भी नहीं होता तो हमें 23 लेना चाहिए, 27 लेना चाहिए, जहां पर आएगा वो करें। 13 को 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 1 = 169, नॉट विजिबल। नाउ 7 × 7 = 49, 4 ये आ गया 119, 7 × 1 = एंड ये हो गया 289, इट इज नॉट विजिबल बाय 17। नाउ 23, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6 and 2 × 2 = 4, that is 529. It means it is divisible by 23. 23 is also divisible by 23. Now factors of 2645 are 5 × 23 × 23. पेयर्स बनाइए, 23 का पेयर है, 5 इज नॉट पेयर, सो 5 शुड बी डिवाइडेड। देखिए 5 डिवाइड करके क्या आता है, 2645 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 5 = 25, 1 remainder 14 हुआ, 5 × 2 = 10 and 5 × 9 = 45।
अब 529 के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं आपको, वो आपने यहाँ पर किया ही है अभी लास्ट स्टेप में। 23 को 23 से करेंगे तो 529 है और 23 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 23। 529 इज 23 into 23 वेयर ही है, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। आंसर 5 शुड बी डिवाइडेड एंड स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2800 फिफ्थ पार्ट इज 2800। देखिए लास्ट डिजिट इज 0 सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 ones are 2 fours are 0 0 अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 sevens are 14 0 0 अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 threes are 6 2 fives are 10 0 लास्ट डिजिट 0 आ रही है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल है। 2 ones are 2 sevens are 14 2 fives are 10 अब ये देखिए 3 से डिविजिबल है क्या, 1 plus 7 8 8 and 5 13 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 सो इट इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5 5 threes are 15 and 5 fives are 25 5 sevens are 35 अब ये 7 ones are 2800 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 7 pairs 7 is not paired so 7 should be divided, जिसका pair नहीं है वही हमको divide कर देना है। तो 2800 divided by 7 that is 7 fours are 28 0 0 400 हमारे पास है, इसका हमने क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट डिजिट इज 0 200 आ जाएगा, अगेन 0 100 अगेन 0 50 अगेन 0 25 25 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 5 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 400 इज 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 into 5 into 5 पेयर्स हो गए। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 2 into 2 into 5 2 twos are 4 4 fives are 20 आंसर इज 7 शुड बी डिवाइडेड एंड स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। सिक्स एंड लास्ट पार्ट इज 1620 देखिए लास्ट डिजिट इज 0 सो इट इज डिविजिबल बाय 2 2 eights are 16 2 ones are and 0 अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 0 2 fours are 8 1 देखिए जा नहीं रहा इट मींस 0 एंड 2 fives are 10 नहीं समझ आता आप दोबारा से इस तरह से भी कर सकते हो 2 fours are 8 2 zeros are 0 2 fives are 10 405 आया अब 4 plus 0 plus 5 is 9 सो इट इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 3 सो 405 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 3 ones are
3 threes are 9, 3 fives. It is also divisible by 3, 3 fours are 12, 3 fives. It is also divisible by 3, again 15 is divisible by 3 and 5 is divisible by 5. So 1620 is equal to 2 multiplied 2, 3 into 3 into 3 into 3 into 5 pairs. Because 5 is not paired, so 5 should be divided. देखते हैं 5 डिवाइड करने पे क्या होता है. 1620 डिवाइडेड बाय 5. 5 threes are 15. 1 remainder, 1 and 2, 12. 5 twos are 10. 2 remainder, 2 and 0, 20. 5 fours are 20. This is 324. Now it is divisible by 2 because last digit is 4. It is also divisible by 2. Now it is not divisible by 2 because last digit is 1. Now it is divisible by 3 because 8 plus 1 is 9. It is also divisible by 3. Again 3. Again 3. 324 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. That is pair ho gaye 2 into 3 into 3. 2 threes are 6, 3s are 18. Answer is 5 should be divided and 18 is the square root of 324. Question 6 aapka complete ho gaya hai. Karna tha humko kya divide kiya jaye कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए. तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स बनाए. तो इसमें ऐसा कुछ जरूर होगा जो आपका पेयर में नहीं आएगा. इट मींस उसका पेयर नहीं बनेगा. जब पेयर नहीं बनेगा तो स्क्वायर रूट नहीं आ सकता प्रॉपर. और उसी पेयर जिसका पेयर नहीं बना उसी नंबर को आपने डिवाइड करना है. अब जब वो हट ही जाएगा तो वो पेयर बन जाएंगे और उस पेयर बनने की वजह से वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा. उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे और इस तरह से दो आंसर दे देंगे. तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है. नेक्स्ट वीडियोस में आगे करेंगे हम. कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.